हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आज की न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चेस्ट वर्कआउट करूंगा, उससे पहले मैं प्री वर्कआउट लिख देता हूँ। की बॉडी थोड़ा ज़्यादा थकी हुई है। कल रात को मैं अपने जिम के काम से दिल्ली गया हुआ था, जिम की मैंने छुट्टी चेंज करवाई है, इसलिए बॉडी ज़्यादा थकी हुई है, तो इसलिए मैं प्री वर्कआउट लिख देता हूँ। मैं प्री वर्कआउट के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, फिर बार पहले बार मत करूँगा, फिर वर्कआउट करूँगा। चलो गाइस, मैं अंदर चलता हूँ जिम के। हेलो दोस्तों, मैं आप जिम में आ चुका हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, उसके लिए हम वार्म अप कर लेते हैं पहले। सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोअर बैक, अब सबसे पहले हम 12-12 के 3 सेट पुशअप के लगाएंगे। आपको इसी तरह 12-12 के 3 सेट लगाने हैं। प्लीज़ बार बार मैं यही कहूँगा, आप जो भी वर्कआउट करो अपनी मसल्स को कनेक्ट करो। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। आप वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार डालें। पहला सेट है लाइट सेट लेंगे और 12 रैप। ये देखो मसल्स के साथ। आपको इसी तरह 4 सेट लगाने हैं। आप वेट इंक्रीज करते हो, वेट इस तरह इंक्रीज करो कि इकड़ इतना करो। लास्ट वेट में आपसे कम से कम 8 रैप लगने चाहिए, पर मसल्स कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपका मसल्स पॉइंट कनेक्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपने 12-12 के 4 सेट लगाने हैं, वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, इंक्लाइन डंबल फ्लाई। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल फ्लाई अपर चेस्ट के लिए। वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मसल्स माइंड कनेक्शन। ऐसे ही आपको 4 सेट लगाने हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे वेट, आप वेट की इज्जत करना सीखो। आप वेट करते हो और वहीं फेंक देते हो, कृपया करके वेट जहाँ से उठाओ अपनी जगह पर रखा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसके भी 4 सेट लगाने हैं। ग्रिप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पकड़ा करो, ग्रिप जरूरी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट के लिए, केबल क्रॉस। ये एंगल के अनुसार सेट कर लिया। वेट बार बार मैं कहूँगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसी तरह आपको 4 सेट लगाने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
एक्सरसाइज है पुल ओवर, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये अपर और लोअर दोनों के लिए है। आपसे सभी से यही कहूँगा बार बार, वेट आप अपनी जगह पे रखिए, आप इसकी इज्जत करोगे जब भी आपकी इज्जत होगी। अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो एक्सरसाइज के बाद आप पुशअप जरूर लगा दो, 15-15 के 4 से। आज का वर्कआउट हमारा आपको यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ गलती हो तो कमेंट में लिख के बताएं। बाय बाय, टाटा।